हाँ नमस्कार बच्चों, आज 21 जनवरी और आज आप जैसे देख रहे होंगे कि अध्याय 9 एवं 10, क्योंकि अध्याय 9 उसमें दो कीमती सवाल रह गए थे, अंतिम दो सवाल 20वां और 21वां। चूंकि 21वां सवाल 6 नंबर लायक पोजीशन का है, इसलिए हम यहां पे जरूर लेना चाहेंगे, नहीं तो हम सीधे बिंदुपत वाले चैप्टर को आज ले सकते थे, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का कहीं कोई सवाल गलत नहीं हो जाए। पहले हम सवाल नंबर 20 पे चर्चा कर रहे हैं। 20वां सवाल इतना कीमती नहीं है जितना 21वां है। देखिए विविध का सवाल नंबर 20 पेज नंबर 139 कहा गया है, सिद्ध कीजिए दो बिंदुओं 5, 7 और 3, 9। पुनः पुनः सुनिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5, 7, 3, 9 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8, 6 और 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यस, तो इसमें सीधी सी बात है, पहले हम सवाल नंबर 20 इन दो का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। यस, और फिर इन दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात, इन दोनों के मध्य जो भी बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। यहां दो पार्ट होंगे, हमें यह सिद्ध करना है दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना आप लोग सभी जानते होंगे। मान लीजिए ये ए और बी बिंदु है, इसके निर्देशांक हमारे को 5, 7 और 3, 9 दिए हैं, और ये मध्य बिंदु मान लीजिए पी है, और इधर सी डी हमने इसको ले लिया और इसका मध्य बिंदु क्यू है। सी और डी के निर्देशांक जैसे सवाल में दिए हैं 5, 7 और 3, 9 इसके हो गए, और इधर 8, 6 और 0, 10 8, 6 और 0, 10 आइए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। इधर मध्य बिंदु है P, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दोनों के x के मान 5 + 3/2 और दोनों के y के जो मान है, y यहां 7 है यहां 9 है / 2, तो यहां 8, 8 में 2 का भाग लगा 4, और इधर 9 और 7 16 में 2 का भाग लगा 8। ये मूल मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। ठीक इसी तरह से आइए क्यू के निर्देशांक ज्ञात करें, वो भी मध्य बिंदु है। यहां पे ये मध्य बिंदु है, इधर का पार्ट इधर के पार्ट के इक्वल है, तो अनुपात 1:1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यू बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, 8 + 0/2 और 6 + 10/2, तो इधर आया 4 और इधर आया 8। जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पे भी मध्य बिंदु के निर्देशांक 4, 8 है और इधर भी 4, 8 है, और हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं इसके मिलाने वाले रेखा खंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8, 6 और 0, 10 को मिलाने वाले रेखा खंड का मध्य बिंदु है। चूंकि P बिंदु और Q बिंदु के निर्देशांक एक ही है, चूंकि P तथा Q के निर्देशांक समान है, अतः दोनों स्थितियों में मध्य बिंदु एक ही है। बस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अतः मध्य बिंदु एक ही है दोनों स्थितियों में, P तथा Q के निर्देशांक समान है, अतः मध्य बिंदु एक ही है। P का भी वही निर्देशांक है जो Q का है। अब बच्चों जैसा हमने आपसे कहा, सवाल नंबर 21 एक महत्वपूर्ण सवाल है कि यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं
एक दो जीरो माइनस एक और दो माइनस एक हैं तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमारे को दिया गया है मध्य बिंदु के निर्देशांक। किसके दिए हैं बच्चों? मध्य बिंदु के निर्देशांक। और आज जब हम आपको बिंदुपथ समझाएंगे ना बच्चों, तो इसमें बिंदुपथ में जगह जगह हमारे QR कोड भी लगे हुए हैं, उनको भी हम समझाएंगे कि किस तरह से उनका उपयोग आप ले सकते हैं बिंदुपथ को अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में ये QR कोड छपा हुआ है और उसके बाद में आप लोगों को दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, दो दिए हुए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु, इस तरह से, तो वो QR कोड का कुछ कंटेंट हम यहां से बताएंगे आप लोगों को। यस, ये था सवाल नंबर 20। आप लोगों ने 20वां सवाल उतार लिया होगा। सवाल नंबर 21 पे नजर डालिए। सवाल नंबर 21 में हमारे को मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सवाल नंबर 21, तो एक पहले हम त्रिभुज बना रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का त्रिभुज आप बना सकते हैं। मध्य बिंदु को पहले आप चिन्हित कर लीजिए। यस, मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है, और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हमारे को दिए गए हैं वो हैं एक दो, इसको हम एक दो मान रहे हैं, और इसके जीरो माइनस एक और इसके दो माइनस एक। ए बिंदु के, बी बिंदु के, सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। मान लीजिए इसमें बच्चों एक काम कीजिए, ए और बी नहीं मान के यहां ए और इसका एक्स का मान बी और इसका एक्स का मान सी मान लीजिए, और ई इधर मान लीजिए, एफ इधर और डी ले लीजिए वहां पे, डी ई एफ, ए बी सी एक्स एक्सिस के मान के पॉइंट ले लिए और इधर ले लिया डी ई और एफ, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा बच्चों। अब आइए मध्य बिंदु के निर्देशांक, अभी अभी हमने सवाल नंबर 20 में भी समझे थे, ठीक वही बात यहां लगेगी। हमारे को ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बी के भी ज्ञात करने हैं और सी के भी ज्ञात करने हैं। तो ए बिंदु के लिए पहले हम केवल एक्स के लिए बात कर रहे हैं, एक्स, इसलिए एबीसी माने थे हमने, मान कि ए प्लस बी बटे दो, ए प्लस बी बटे दो बराबर एक। यस, वाई को बाद में देखेंगे, पहले इधर देख लीजिए, तो ए प्लस बी बराबर दो एकम दो, यह समीकरण नंबर एक बन गया। वापस से सुन लीजिए, पहले हम इन दोनों को देख रहे हैं, एक्स एक्स के जो मान है वो ए और बी, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू बराबर एक, इसी तरह से बी प्लस सी, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो बी प्लस सी बराबर जीरो गुणा दो, जीरो हो गया समीकरण नंबर दो। और सी प्लस ए, क्या बोला मैंने, C प्लस ए डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू, तो C प्लस ए बराबर दो दुनी चार,
समीकरण नंबर तीन। पहले हम ए बी सी के मान ज्ञात कर लेते हैं। यस, पुनः पुनः देखिए, ए प्लस बी बराबर दो, बी प्लस सी बराबर शून्य और सी प्लस ए बराबर चार। अब हमने इन तीनों समीकरणों को जोड़ दिया, एक दो व तीन को जोड़ने पर, तो लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ा और राइट राइट में जुड़ा। तो आप देख रहे हैं कि ए दो बार, बी भी दो बार और सी भी दो बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, इधर दो जीरो और चार छह हो गया। अब सभी पदों में यहां दो का भाग लग रहा है, तो कॉमन लेके भी डिवाइड कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर छह बटे दो अर्थात तीन, ये समीकरण नंबर चार हो गया। समीकरण नंबर चार, तो इसमें तीनों मान हमारे पास में आ गए, a प्लस बी प्लस सी, और यहां जो समीकरण है वो दो दो के मान लिए हुए हैं, यहां जो समीकरण है वो दो दो के मान लिए हुए हैं। तो अब हम इसकी मदद से देखिए बच्चों, इसमें b प्लस सी है तो सेकंड एंड फोर्थ से, सेकंड और फोर्थ से b प्लस सी की जगह अगर जीरो लगाएंगे तो a का मान तीन आ गया, a बराबर तीन, और इसमें b नहीं है ना बच्चों, तो थर्ड एंड फोर्थ से, थर्ड एंड फोर्थ, चार हमने c और a की जगह पे रख दिया तो b का मान आया माइनस एक, क्योंकि थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर यानी b का मान माइनस एक। और इसी तरह से अगर फर्स्ट और फोर्थ हम लें, फर्स्ट एंड फोर्थ से, फर्स्ट एंड फोर्थ से, तो यहां पे a प्लस बी की जगह हमने दो लगाया, दो इधर आके माइनस हो गया, तो c बराबर एक, c का मान आया एक। ये हम यहां लिख लेते हैं बच्चों, यस, a का मान हमारे को मिला तीन, b का मान मिला माइनस एक और c का मान मिला एक। जैसे हमने ये a b c के मान निकाले, ठीक उसी तरह से हम दूसरे पार्ट में y यानी कि d e f के मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक तो उतारिए क्योंकि फिर हम मिटाएंगे इसको। बच्चों जल्दी से उतारिए आप लोग, यस ध्यान दीजिए, उतारिए उतारिए। यस बच्चों, अब हम ले रहे हैं डी ई एफ के मान, तो डी ई एफ के लिए जैसे यहां ये समीकरण बना था, अब तक चार बन गए हैं, पांचवा आ जाएगा कैसे, बिल्कुल इसी तरह से। थोड़ा नजर इधर रखिए, डी प्लस ई बटे दो बराबर दो, तो डी प्लस ई बराबर चार, समीकरण नंबर पांच। और अब इन दोनों को लीजिए, e प्लस f, e प्लस f, बटे दो बराबर माइनस एक, तो e प्लस f बराबर क्या हुआ, हां हां माइनस दो, e प्लस f बराबर माइनस दो। और अब हमारे पास में f प्लस d,
बिल्कुल इसी तरह से, और ये समीकरण नंबर हो गया 6, एफ प्लस डी बटे 2 बराबर माइनस 1, तो एफ प्लस डी बराबर माइनस 2, इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 7। अब जैसे हमने यहां 1, 2 व 3 को लिया था, ऐसे ही 5, 6 व 7 आ जाएंगे, 5, 6 व 7 से। पांच छ व सात से, ठीक है ना, को जोड़ने पर कर दो। तो अब यहां पे उसी तरह से आपने देखा डी 2 बार है, ई 2 बार है और एफ 2 बार है, तो 2D + 2E + 2F बराबर 4 और -2, रिजल्ट रहा 2 और -2, यानी कि शून्य हो गया, शून्य। तो सब में 2 से डिवाइड किया तो D + E + F बराबर शून्य। अब यहां पे जैसे हमने यहां लिया था कि अब इसको हमने समीकरण नंबर 8 दे दिया, तो 8 तो हमारे को लेना ही लेना है, 4 की जगह इस बार 8 हो गया, 4 की जगह 8, 4 की जगह 8 समीकरण नंबर। लेकिन इधर वाले जो मान हैं वो बदल रहे हैं, कौन कौन से समीकरण, यस ई एफ वाला हमने लिया तो 6ठा समीकरण और 8वां समीकरण, इससे डी का मान आ गया -2, इधर आने से डी बराबर दो। इसी तरह से इसमें हमने समीकरण, चूंकि हमारे को डी के बाद में ई का मान चाहिए, ई इसमें नहीं है, तो हमने 7th और 8th समीकरण लिए। तो 7th और 8th समीकरण से बच्चों 6 नंबर का सवाल है, थोड़े से घर पे मेहनत करना आप लोग। इसमें ई नहीं है तो ई का मान आ जाएगा -2, इधर आके +2 बन जाएगा, तो D का मान भी 2 है और E का मान भी 2 है। और अब जो समीकरण बचा हमारा वो बचा DE, यानी कि 5वां, और इसको और 8वें को लेने पे DE का मान 4 है, अगर वो 4 लगाए तो इधर आके -4 हो जाएगा। D बराबर आ चुका है F का मान आया -4 बस। तो यहां हम ये मान लिख लेते हैं D, E और F, D का मान 2, E का मान भी 2 और F का मान -4। अब हम इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिख सकते हैं, अतः जो ए बिंदु आया उसके एडी थे यानी 3, 2 और बिंदु बी के निर्देशांक -1, 2 और बिंदु सी के निर्देशांक 1, -4। आइए आंसर शीट से मिलाएं क्योंकि बेहद कीमती सवाल है। 1, -4 आ रहा है और 3, 2 भी आ रहा है और -1, 2 भी आ रहा है। यस बच्चों जल्दी उतारिए, फिर हम इसका जो सेकंड चैप्टर हमने बोला आज ही के दिन 10वां चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, उतार लें दो।
यस बच्चों, तो इसमें हमने इनके निर्देशांक मान लिए थे, मध्य बिंदु के दिए हुए थे इस तरह से। थोड़ा सा कीमती सवाल है बच्चों ये, चाहे आप लोगों की राजस्थान बोर्ड की हो चाहे सीबीएसई की हो, दोनों ही के लिए ये कीमती सवाल है। ठीक है, इसी के लिए हमने निर्देशांक ज्योमेट्री को आज जारी रखा, नहीं तो आज हमारा टारगेट बिंदु पथ लोकस का था। तो संभवतः आप लोगों ने यहां तक उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। मिलते हैं एक दो मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों अब हम ले रहे हैं बिंदुपथ अध्याय 10। अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिंदुपथ का अर्थ ही नहीं समझ पाते, इसलिए जो एक एक नंबर के सवाल हैं जिनमें केवल हमारे को परिभाषा पे आधारित सवाल रहते हैं छोटे छोटे से, उनको हम समझा रहे हैं। अध्याय 10 पे फोकस कर रहे हैं। अध्याय 10 बिंदुपथ लोकस। समझिए जरा, जैसा आप लोग अपने अपने बुक में देख रहे होंगे, सबसे पहले प्रस्तावना पे क्यूआर कोड नजर आ रहा होगा आप लोगों को। क्यूआर कोड ये ऊपर चैप्टर में भी दिख रहा है, इस जगह पे क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड में क्या छपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, छपा और छुपा, तो वो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रस्तावना में किस तरह से हमने, ये देखिए ये वाला, इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्यूआर कोड का हम बता रहे हैं। आप स्क्रीन पे नजर डालिएगा जरा। यस, और ये बोलती हुई आवाज उसमें आप लोगों को दिखाई देगी। यहां पे तो हम बोल रहे हैं लेकिन वहां पे आपको आवाज हमारी भी और बच्चों की भी नजर आएगी, जैसे चित्रकथा आप लोग देखते हैं उसी तरह से, कि ये जो आसमान में उड़ते हुए पक्षी आप लोगों को अक्सर दिखाई देते होंगे वो एक निश्चित आकृति बनाते हैं बच्चों, यही हम इन बच्चों से पूछ रहे हैं, और इनके जवाब भी उसके अंदर आपको बोलते हुए दिखाई देंगे। यस, ये बच्चे लोग क्या उत्तर दे रहे हैं कि ये पक्षी उड़ते हुए एक निश्चित आकृति बना रहे हैं, और कुछ का कहना है कि कुछ पक्षी एक रेखा में उड़ रहे हैं, कुछ पक्षी उड़ते हुए एक वृत्त बना रहे हैं, और कुछ पक्षी समांतर रेखाओं में उड़ रहे हैं जो लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये सभी कंटेंट आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, क्यूआर कोड जहां छपा हुआ है उसके माध्यम से। ठीक इसी तरह से ये चींटियां वगैरह भी आप लोगों ने देखी होगी, ये एक निश्चित आकृति बनाती हुई चलती है, अक्सर एक निश्चित रेखा में ये चलती हुई दिखाई देती हैं। तो बिंदुपथ को समझने के लिए इस तरह के उदाहरण हमने लिए हैं। क्या आपने देखा होगा चींटियां भी समूह में चलती हुई एक निश्चित आकृति बनाती हैं। अब बच्चों का क्या कहना है वो सुनिए। और इसी तरह से हमने ये ट्रेन अलग अलग रेलगाड़ियां अलग अलग पटरियों पे दिख रही है, बच्चों से पूछा कि यदि किसी रेलगाड़ी के पास से कोई दूसरी रेलगाड़ी गुजरती है तो ऊंचाई से देखने पर वह कैसी नजर आती है। तो बच्चों का एक साथ पूरी क्लास का उत्तर क्या था देखिए बच्चों। यस, यहां बच्चों की आवाज एक साथ है, समांतर रेखा जैसी नजर आती है। कैसी बच्चों? समांतर रेखा जैसी नजर आती है। और एक ये तो बड़ा रोचक प्रयोग है कि अगर छत पे लगा पंखा उस पे हम अगर कोई लाल निशान लगा दें तो वो घूमते हुए किस तरह की आकृति बनाएगा देखिए, और बच्चों का आंसर भी सुनिए। यदि हम छत पे लगे पंखे की पंखुड़ी पर एक लाल बिंदु लगा दें तो पंखा चलाने पे बिंदु कौन सी आकृति बनाता है? देखो बच्चों का उत्तर क्या है देखिए। यस, आने ही वाला है बच्चों का उत्तर। ये बच्चों की टीम, हाँ, वृत्ताकार पथ बन रहा है। कैसा बच्चों? वृत्ताकार पथ। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। यस, आइए इसका अगला भाग देखें। यस बच्चों, हाँ, इसमें हम देख रहे हैं कि ये गार्डन में बंधा हुआ जो झूला होता है उसको झूलते हुए तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, या इसी तरह से घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो
किस तरह की आकृति बनाता है, एक निश्चित आकृति, लेफ्ट जाना फिर राइट जाना, लेफ्ट जाना राइट जाना, ये भी हमने बच्चों से पूछा। तो बच्चों का क्या उत्तर है देखिएगा बच्चों, यस, उद्यान में बंधा झूला झूलते हुए घड़ी का पेंडुलम कौन सी ज्यामिति आकृति बनाता है, बता सकते हो? तो बच्चों का उत्तर क्या था देखिए जरा, वृत्त का चाप जैसे आकृति बन रही है, इसमें केवल वृत्त का चाप बन रहा है, वृत्त पूरा नहीं बन रहा। ठीक इसी तरह से मैदान में यदि छोटे पत्थर को डोर से बांधकर घुमाया जाए तो पत्थर द्वारा कौन सा पथ बनता है, यह हमने बच्चों से पूछा, और बच्चों का उत्तर क्या था देखिए जरा, वृत्ताकार पथ, और इसमें पत्थर द्वारा वृत्त की परिधि का निर्माण हो रहा है, यह भी किसी बच्चे ने हमारे को जवाब दिया। ये सभी बिंदु पथ को परिभाषित करते हैं बच्चों, बिंदु पथ को समझाते हैं कि बिंदु पथ है क्या। और क्या आप बता सकते हो डोर की लंबाई, बच्चों ये हम आपसे पूछ रहे हैं, डोर की लंबाई उस वृत्त का कौन सा भाग है? हाँ, अगर डोर की लंबाई जिसके हमने पत्थर बांध रखा है उसकी लंबाई उस वृत्त का कौन सा भाग होगी, क्या आप बता सकते हो? आप में से कई बच्चे बोल रहे हैं वो त्रिज्या होगी। देखें ये बच्चे क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, यस, इन बच्चों का जवाब बच्चों उसमें आप बोलते हुए सुनेंगे, यहां तो मैं केवल दिखा रहा हूं आप लोगों को। इन बच्चों का यस, इन्होंने भी वही जवाब दिया, वह त्रिज्या है, वह त्रिज्या है। आइए और आगे चलें, यस, अब एक छोटी सी बात हम पूछ रहे हैं, जिस प्रकार पत्थर से वृत्त बन रहा है उसी प्रकार किसी बिंदु को किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रखते हुए जो पथ बनेगा वह उस बिंदु का बिंदु पथ होगा। बच्चों इसमें ध्यान रखो, बिंदु पथ की परिभाषा के साथ में एक एक नंबर के एक दो सवाल आप लोगों को मिलेंगे जिसमें आप उसका सटीक उत्तर आप लोगों को देना होगा। जैसे यही जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है कि किसी स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पे रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, तो आपको केवल एक लाइन में उत्तर देना है कि उस बिंदु का बिंदु पथ वृत्त की परिधि होगा, वृत्त की परिधि होगा। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो जो स्थिर बिंदु है ना वो उसका केंद्र होगा, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि स्थिर बिंदु केंद्र है और वो जो डोर की लंबाई है वो त्रिज्या को प्रकट करती है, त्रिज्या को दर्शाती है। इस तरह के सवाल आप लोगों को त्रिज्यखंड वृत्तखंड वाले में भी मिलेंगे कि एक घोड़ा इतनी लंबी रस्सी से बंधा हुआ है तो कितने चित्र की घास वो खा सकता है, तो उसमें भी लंबी जो रस्सी है वो त्रिज्या को प्रकट करती है। बच्चों अब देखें जरा ये बच्चे लोग क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, यस बच्चों अभी बस पूछ रहे ही वाले हैं। हां बच्चों ने पूछा है, सर क्या यह शर्त जरूरी है कि वह बिंदु उस स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर हो? तो बच्चों ध्यान रखना, बिंदु पथ में एक बिंदु को हमारे को दी गई शर्त के आधार पर ही चलाना है, जो शर्त हमें दी गई है उसी आधार पर हमारे को उस बिंदु को चलाना है। तो सुनिए जरा आगे की बात, यस, किन्हीं प्रतिबंधों का पालन करते हुए एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामिति आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। यह ध्यान रखिए, इसी से बिंदुपथ के सवालों को हल करना होगा, ठीक है ना बच्चों? तो ये था बिंदु पथ की प्रस्तावना का मामला, किस तरह से हम
शुरुआती दौर इसमें समझ सकते हैं बिंदुपथ का। यस बच्चों, अब हम आप लोगों को वापस स्क्रीन पे ले आते हैं। तो ये था बिंदुपथ, लोकस, उसका शुरुआती दौर था, और आगे पूरे डिटेल में हम आप लोगों को समझाएंगे। आप बस देखते रहिए, बिंदुपथ के ये क्वेश्चंस अपने आप सही होंगे, चिंता न करें। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।